वायर को आठ से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम को सेकंड्स में पुट कर दो, हीट इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ओके, इतनी हीट पैदा होएगी। जब भी हीट पैदा होती है तो हम उसको जूल यूनिट में यूज कैलकुलेट करते हैं, जूल। ओके, और इन तीनों को, करंट को, रेजिस्टेंस को, टाइम को किस यूनिट में लिखते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं। करंट को एम्पियर में लिखते हैं बेटे, टाइम को सेकंड में यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस को ओम में, ओम। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट के बाद और कौन सा इफेक्ट है। एक है बेटे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट बताने से पहले मेरे को अपने बच्चों को, धीरज विशिष्ट सर को, अपने बच्चों को यह बताना पड़ेगा कि कंपास क्या होता है। किसी बच्चे को पता है कंपास क्या होता है? कुछ बच्चे इसको कंपस बोलते हैं। कंपास तो ये क्या चीज होती है बेटे? कंपस एक ऐसी चीज होती है, ध्यान से सुनना, अटेंशन। कंपस में एक, यहाँ सेंटर में निडल होती है जिसका एक पोर्शन होता है रेड कलर में, जो कि कंपस के नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ को। और दूसरी साइड जो होती है वो ब्लैक नहीं होती बेटे, वो होती है ब्लू। ब्लू वाली होती है वो साउथ होती है, और जो रेड वाली होती है वो नॉर्थ होती है। ओके, अगर मैं इस कंपास को ऐसी जगह पे रखूं जहां आसपास कोई मैग्नेट ना हो, बिजली की तार कोई ना गुजरती हो, कि निडल नॉर्थ हमेशा धरती के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। लो, इस कंपास को ऐसी जगह रख दूं जहां कोई मैग्नेट ना हो, कोई लोहे की चीज ना हो, और कोई बिजली की तार ना निकलती हो। तीन चीजें, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है वो धरती के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, और जो साउथ होता है वो साउथ की तरफ। ठीक है, इसका मतलब कंपास वो हमें डायरेक्शंस ढूंढने में मदद करती है। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, एक बच्चा कहता है सर मैंने एक क्या नोट करा, मैंने इसके आसपास कोई मैग्नेट भी नहीं रखी, मैंने इसके आसपास कोई लोहे की चीज नहीं रखी। मैंने कहा ओके, लेकिन सर इसके पास जब मैंने ऐसे एक बिजली की तार गुजारी जिसमें से करंट गुजर रहा था, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब हो गई है। ओके, ओरिजिनल पोजीशन से क्या होगी बेटे? डिस्टर्ब होगी है। यहां से क्या पता लगता है कि जब भी इस वायर में करंट गुजरेगा तो जरूर अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में इस छोटी सी निडल, जो कि अपने आप में छोटी सी मैग्नेट है, उस मैग्नेट की जनरल पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। और एक बात, जैसे मैं इस की को ऑफ करूंगा तो ये निडल अपनी दोबारा उसी पोजीशन में आ जाती है, नॉर्थ और साउथ। समरी करूं, कुछ बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे, एक बार लास्ट मौका देता हूं सुनने का। अगर इस की को ऑफ रखूंगा तब ये निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में धरती के नॉर्थ साउथ को सक्सेसफुली बताएगी, लेकिन जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, देखो इस वक्त ऑन है, तो ये निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगी, या ऊपर चले जाएगी या नीचे, नॉर्थ और साउथ की पोजीशन को सही से नहीं बता पाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो ऐसा नोट किया गया कि वो वायर के इर्द गिर्द करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड।
वो चुंबकीय क्षेत्र इस मैग्नेट को प्रभावित करता है, जिससे जिसके असर के अधीन ये मैग्नेट की जो निडल है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को छोड़ के किसी और ही डायरेक्शन में चले जाती है। यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें ये रिजल्ट मिला कि जब भी किसी वायर में करंट निकलेगा तो उसके इर्द गिर्द जरूर और जरूर चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस होएगी, उपस्थिति होएगी। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट? तो इसका मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें हम क्या लिखेंगे? शॉर्टेस्ट लैंग्वेज में लिखना हो तो हम ये लिखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है बच्चे? इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर निकलेगा और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होएगा, और पता कैसे लगेगा? उसके पास कंपस लाने पर, मैग्नेटिक कंपस लाने पर हमें पता लग जाएगा कि वो ऐसे। ठीक है, अब आ गया बेटे एक और चीज, ध्यान से सुनना। एक आ गया बेटे, शाबाश, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट ध्यान से देखना अब, शाबाश, योर अटेंशन बेटे। होता क्या है, ध्यान से सुनना, योर अटेंशन बच्चे। कभी क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर मेटल है, मान लो लोहे की मेटल है, ओके, लोहे की है, आयरन की। और हम क्या देखते हैं, अगर वो आयरन की मेटल, जैसे एक कील लेकर आए आप हार्डवेयर से और उसको आपने बाहर आंगन में रख दिया, तो देखते हैं 4-5 दिनों के बाद उसके ऊपर रस्टिंग होगी, जर लग गया उसको, जंगाल लग गया, रस्टिंग करोड़ होगी, वो खराब होगी, ब्राउन ब्राउन का पाउडर सा आ जाता है नई कील पर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस मेटल के ऊपर कुरैया ना आए, रस्टिंग ना आए। तो हम क्या करते हैं, लोहे की मेटल के ऊपर एक और मेटल की परत चढ़ा देते हैं, परत। और उस परत चढ़ाने की प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैं समझाता हूं ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं। तो हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में एक ऐसा लिक्विड डालते हैं जिसके अंदर से बिजली गुजर जाती है, और उस लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से बिजली गुजर सके। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट में से के अंदर हम क्या करते हैं, दो प्लेटें डालते हैं, दो प्लेटें ऐसे करके, एक प्लेट और ऐसे करके एक प्लेट। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने इसको नीचे स्विच के थ्रू बैटरी से लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो जिस तरफ नेगेटिव है उस तरफ नेगेटिव प्लेट लगी। ठीक है, जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूंगा क्या होता है, इसमें से करंट गुजरता है और धीरे धीरे एक मेटल से दूसरे मेटल के ऊपर परत चढ़ जाएगी। क्या कह रहा है टीचर बेटे? किसी एक मेटल से मेटल खुरना शुरू हो जाएगी, इरेड होना शुरू हो जाएगी, और एक मेटल पतली होनी शुरू हो जाएगी, दूसरी मेटल के ऊपर इस मेटल की कोटिंग चढ़ना शुरू हो जाएगी। कोटिंग चढ़ने से जैसे मैं लोहे की कील के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग कर दूं, और कॉपर की प्लेटिंग को अगर मैं एनवायरनमेंट में रखूंगा तो उसको कुरैया नहीं लगता। इसका मतलब यह हुआ मेरी कील खराब होने से बच जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ते हैं, और पूरी सेटअप का, प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये केमिकल इफेक्ट की एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी हो सकती हैं। ठीक है बेटे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट।
इस चीज को हम बोलते हैं एक मेटल की परत को दूसरी मेटल के ऊपर ऊपर वाले सरफेस पे चढ़ा देना बिजली के करंट की मदद लेके। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब टीचर अपने बच्चों के लिए सीरियल नंबर लिख रहा है, 1 2 3 और 4। इसके बिना और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, थर्मल इफेक्ट, ये वो फिर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन इन चारों में से मेरे बच्चों को कौन सा नहीं समझ आया उसका सीरियल नंबर बोल दो। डोंट शाई, अगर सारे समझ आ गए हैं तो मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा। 1 2 3 4, जो भी नहीं समझ आया आप पूछ सकते हो। सेकंड सेकंड में ध्यान से सुनो, ये क्या होता है, हीटर होता है बेटे, हीटर नहीं तो ब्लोअर समझ सकते हो। आजकल आप देखते हो विंटर के सीजन में, नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में ब्लोअर को लगाएंगे, उसके आगे ऐसे हाथ करते हैं, ब्लोअर में से गर्म गर्म हवा निकलती है। वो इस नाइक्रोम की वायर के पीछे यहाँ पर फैन लगा होता है, फैन, वो फैन इस नाइक्रोम की गर्म वायर से टच करके हवा को बाहर फेंकता है, वही हवा हमें मिलती है। बस तब जब पंखा और नाइक्रोम की वायर इकट्ठे हो जाए तो ब्लोअर बोलते हैं। अगर अकेली नाइक्रोम की वायर लगी हुई है उसके ऊपर पानी रख के हम गर्म कर सकते हैं, तब इसको हीटर बोलते हैं। तो बिजली की मदद से हीटर की नाइक्रोम की वायर को गर्म, अपने हाथ गर्म कर लेना, पानी गर्म कर लेना, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चे ने पूछा था, उसको समझ आया? तो क्या मैं उम्मीद करूं, जितने अगर आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए हैं तो प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। राइट राइट, अगर किसी ने लेफ्ट करा तो मैं समझूंगा नहीं समझ आया। राइट हैंड खड़ा करना है, राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, कुछ स्टूडेंट्स मेरी मदद कर रहे हैं, वेरी गुड बेटे, दिस इज ए गुड फीडबैक, और फीडबैक मिलने के बाद टीचर आगे बढ़ सकता है कॉन्फिडेंटली। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, राइट बेटे, इरेज कर रहा हूँ, और आप लोगों को ये पूरी की पूरी चीज याद कर लेनी चाहिए ताकि आपको फोटोग्राफी के रूप में माइंड में बैठ जाए। राइट, कौन सा बच्चा ऐसा है क्लास में जिसने ये टेबल याद कर लिया हो, इधर वाला सिंबल्स और यूनिट्स वाला? सिंबल्स और यूनिट्स वाला मैं पूछ के देखूंगा अभी स्टूडेंट से, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। आपकी क्लासेस का कंपटीशन है, चलो कितनी क्लासेस हैं, 3 4 5, राइट। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं सबसे पहले किस क्लास में से जवाब आता है, राइट। शाबाश, ध्यान से सुनना, कंपटीशन स्टार्ट्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? रॉन्ग, आई आई तो सिंबल है, उसका यूनिट होता है जिसमें मापते हैं, एम्पियर। आई कोई भी बच्चा सही से जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैं आपको 2 मिनट और देता हूं, सारा रिवाइज करो, कंपटीशन करते हैं क्लास में। जस्ट गो थ्रू एंड देयर विल बी कॉम्पिटिशन इन द क्लासेस सून। ओके, ले भाई, अब देखते हैं सबसे, बच्चा कॉपियां नहीं देखनी किसी भी बच्चे ने, देखते हैं कौन सी क्लास में सबसे पहले जवाब आता है। टीचर ने बोला था जो सॉकेट होती है वो तो दो तरह की होती है, एक 5 एम्पियर की होती है और दूसरी 15 एम्पियर। 15 एम्पियर, मेरे हिसाब से सबसे पहले डी क्लास ने, 8th D ने सबसे पहले जवाब दिया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर ने बोला ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच इज आल्सो नोन एज व्हाट? ई ये कौन सी क्लास है भाई, 8th B, वेरी शार्प, 8th B, 1 मिनट में जवाब दिया, सारी क्लासेस को बीट कर दिया 8th B ने। हो गया, मेरे को बताओगे टीचर ने
इस चार्ट में जो मेरी बैक पे बना हुआ है, सबसे लास्ट में कौन सा सिंबल बनाया था? टू पिन स्विच। द्वारा से एट्थ बी क्लास जीत गई। बी, शाबाश, सबसे पहले जवाब आया एट्थ बी का, क्योंकि मेरे को सारी क्लासेस इकट्ठी दिख रही हैं स्क्रीन पे, इसलिए मेरे को एकदम से पता लग जाता है पहले कहां से आया जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम, कमाल होगी फिर से। ओएचएम, ओम बेटे, ओम का सिंबल ऐसे होता है। तीन बार एक ही क्लास विनर। एट्थवी वंस अगेन। नेक्स्ट, अगर इस बार भी एट्थवी जीत गई ना बच्चे, फिर बाकी क्लास में तो मजा नहीं आया। फिर तो इस बार एट्थवी को हराना ही है आपने, और एट्थवी हारेगी नहीं, ग्रंटेड। लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाबाश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इस बार दो क्लासेस में टाई हो गया, और ये दोनों क्लासेस हैं एट्थ ए और एट्थ बी। एट्थ ए और एट्थ है, कौन सी वाली है दोनों बेटे? सर एट्थ ए है। ये बच्चा कौन सा, ये वाली क्लास जो जिसमें क्लास के आखिर में बड़े साइज का येलो कलर का चार्ट लगा हुआ है, देखो बोर्ड के ऊपर। हाँ, इसमें और बी में टाई हो गया था बच्चे। ओके, और अभी हम आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो, अब पूरे बोर्ड में से कहीं भी क्वेश्चन आएगा, पूरे बोर्ड में से कहीं पे भी। आवाज ध्यान से देख लो, मैं पूछने लगा हूं। देखते हैं कौन क्लास बताती है ये वायर कौन से मटेरियल की बनी होती है, हीटर की? नाइक्रोम। एंड द विनर दिस टाइम अगेन टू क्लासेस, दो क्लासेस में टाई अप हो गया, एट्थ बी एंड एट्थ सी। एक बात है, ये एट्थ बी ने ना आज तो कमाल कर दिया, बाकी क्लासों को बेट किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इरेज करें बेटे इसको। यस, ओके, सो आई एम इरेजिंग इट। सभी बच्चे डेट डाल लिया करो लेक्चर की। शाबाश, अब हम बात करेंगे बेटे, जब जिस से टीचर लिख रहा है, एक तरफ मेटैलिक कंडक्टर और एक तरफ लिख रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सबसे पहले मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए, एक कंडक्टर का मीनिंग होता है जिसमें से बिजली कामयाबी से पास हो सके। ऐसी कोई भी वस्तु, जैसे मेरे पास लोहे की कील हो, उसमें से मैं अगर करंट पास करूं तो निकल जाता है, इसका मतलब ये मेटालिक कंडक्टर हुआ। ठीक है, और आपको सुन के हैरानी होगी, कुछ लिक्विड्स में से बिजली गुजर जाती है सक्सेसफुली, लिक्विड्स में से भी। इसी लिक्विड में बिजली कामयाबी से गुजर जाए तब लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। याद रखना, ये मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑफ मेटल्स, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ मेटल्स, जैसे कॉपर, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड,
ये सिंपल है बेटे, कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड, सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है गोल्ड। ओके, गोल्ड इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ध्यान से सुनो, इधर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, या तो ये लिक्विड होते हैं और या फिर ये मोल्टन होते हैं। मोल्टन लिक्विड और मोल्टन स्टेट होती है बच्चे की। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट अपने बच्चों को क्लियर हो गया कि एक चीज तो मेटल होती है जैसे कॉपर की वायर, और दूसरी चीज होती है ये। बच्चा कहता है सर क्या आप इसमें मेरे को एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, ध्यान से। सॉल्ट वाटर, टैप वाटर, एसिड रेन, एसिड रेन, लेमन जूस, विनेगर। वेरी गुड, ये कौन सा बच्चा था भाई, कमाल ही हो गया। गुड बी, वेरी नाइस, इसने तो मेरी ही नॉलेज बढ़ाई। अगर इस कंटेनर में हमने ये एक लिक्विड डाल दिया, जो कि कैसे बनाते हैं, हमने पानी ले लिया और पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया, नमक, साल्ट, कौन सा साल्ट, टेबल साल्ट जो हमारे डाइनिंग टेबल पे पड़ा होता है, डाइनिंग टेबल पे जो साल्ट पड़ा होता है उसका नाम जानते हो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वो होता है जिसको हम दही में डाल के या परौंठी में डाल के बनाते हैं, उसको नमकीन बनाते हैं। तो अब अगर हम इसके अंदर ऐसे बैटरी लगा देंगे, इसके बाहर इलेक्ट्रोड्स पे, तब ये देखा गया कि दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में अगर टच में भी नहीं है तब भी यहां से बिजली गुजर जाती है। ओके, तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर लिक्विड्स में भी बिजली गुजर जाती है अगर वो लिक्विड स्पेशल बनाया जाए। तो ये जो हमारा गोल बनेगा ना, नमक का गोल बनेगा ना गर्म करके पानी को, तो इसको बोलते हैं वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये दूसरे बच्चे ने बोला था कि सर अगर हम इसमें नमक ना डालें, नींबू डाल दें, नींबू का निचोड़, उसमें से भी बिजली गुजर जाएगी। बच्चा और कहता है कि सर अगर एसिड वाटर इकट्ठा कर लें जब बारिश होती है, उसमें से अगर बिजली गुजारे तो गुजरेगी? यस, उसमें से भी गुजर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट को बनाने का एक ही तरीका है, और भी तरीके हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड या लिक्विड का मिक्सचर होता है जिसमें से अगर ऐसे दो इलेक्ट्रोड डालने के बाद बैटरी कनेक्ट करी जाए तो इसमें से बिजली गुजरेगी। एक बच्चा मेरे से पूछता है सर हमें कैसे पता लगेगा बिजली गुजरेगी कि नहीं, तो हम इसके तार को थोड़ा सा काट के यहां पर हम एलईडी लगा देंगे, लाइट एमिटिंग डायोड। अगर ये लाइट एमिटिंग डायोड जग गया, ग्लो कर गया, तो इसका मतलब है बिजली यहां से सक्सेसफुली कामयाबी से आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का गुण है, करंट का ये गुण है, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा सारी तरफ से तब तक ये करंट फ्लो ही नहीं करता। सर्किट शुड बी क्लोज्ड, और हमें तो यहां से लगता है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड दूर दूर हैं, पर इस लिक्विड के थ्रू आपस में ये कनेक्ट हो जाते हैं, यहां से भी करंट गुजर जाता है। ओके बच्चे, तो ये हो गया पहला डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। टाइम इज ओवर। नहीं, बस दो पॉइंट ही बताने हैं बच्चे, बस दो पॉइंट। इसमें जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसमें जो करंट होता है वो केटायंस की फ्लो की वजह से होता है, केटायंस, तो सॉरी आयंस की वजह से, करंट बिकॉज ऑफ आयंस, और उधर करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो आयंस होते हैं ना, आयंस ये दो तरह के होते हैं बेटे। अगर कोई देखो बेटे, एक ध्यान से सुनो जरा बात मेरी, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों को ये भूल जाता है। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव
तो वो कैटायन होता है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव, तो वो अनायन। नेगेटिव वाला आयन जो होता है वो एनायन, पॉजिटिव वाला जो होता है वो केटायन होता है बच्चे। ओके, अब आपको ये भी पता है कि ये केटायन अगर लिक्विड में पड़े होंगे तो ये किधर को भागेंगे, ये नेगेटिव की तरफ भागेंगे बेटे। क्यों? पॉजिटिव चार्ज केटायन्स को, या इधर लिखते हैं, पॉजिटिव केटायन्स हमेशा उस इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेंगे जो नेगेटिव होएगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जिसकी तरफ ये कैटायन भागे उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, कैथोड। लास्ट पॉइंट आज का, लास्ट पॉइंट। इसी तरह से ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव की तरफ भागेंगे, ऐसे मेटल की प्लेट की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन भागेंगे जो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एनायन जिसकी तरफ भागते हैं एनोड, एनोड बोलते हैं, एनोड। उम्मीद करता हूं आप दोनों ये चीज भूलोगे नहीं। इसके बिना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए इतना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्या टीचर उम्मीद करे आज का लेक्चर अपने प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आया? If you have understood, please wave your both hands like this. If you have understood, please wave your both hands. Thank you for the good response. Maximum बच्चों को समझ आया। Okay बेटे, अगली बार मिलते हैं। Okay. Okay sir. Thank you.